बी फोकस्ड एंड बी सक्सेसफुल, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ। क्या है कि हम फोकस नहीं रहते, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं। एक तो बाहर से डिस्ट्रैक्शन होगा, लोग आके बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करते जाएंगे, या फिर अंदर से डिस्ट्रैक्शन होगा, विचार आते जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ इधर उधर मन भटकेगा, या फिर अभी गैजेट्स है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो यदि आप फोकस नहीं है तो आपका आउटपुट बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है आउटपुट यदि आप फोकस नहीं है तो। यदि आप फोकस रहते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका आउटपुट जल्दी आएगा, आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा, जल्दी जल्दी काम होगा, फास्ट काम होगा, स्पीड बढ़ेगा काम का। आप 5 मिनट के लिए कहीं काम कर रहे हो और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वापस उसमें फोकस करने के लिए आपको फिर 5-10 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्ट माइंड जो है वो वापस आने को फिर से टाइम लगाता है। उतनी प्रोडक्टिविटी, उतनी एफिशिएंसी वापस मिलने के लिए टाइम लगता है। तो भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जो काम करे उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। नंबर एक, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप कुछ ना कुछ रखते हैं, और वो जो वॉल रहती है मोबाइल की, उसके ऊपर जो भी चीज़ है, एक तो बदलती रहती है तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, या फिक्स्ड है तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और आपका फोकस रहेगा नहीं। तो मोबाइल स्क्रीन साफ करो, नंबर एक। नंबर दो, आपके जो अलग 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 जो ऐप्स है वो ऐप्स में टाइमर लगा दो। जैसा फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, उसका टाइमर आता है, टाइमर का ऐप आता है। तो आप इंस्टाग्राम देख रहे तो आपका टाइम बच जाएगा, जब आपको वो नोटिफिकेशन आएंगी कि आपका टाइम हो गया, खत्म हो गया 20 मिनट का, समझो आपने लगा दिया, आपका इंस्टाग्राम का टाइम खत्म हो गया, चलो बंद करो, और फिर आप चालू नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इंस्टाग्राम देखना, इंस्टा हो गया आपका 20 मिनट का टाइम, और इंस्टाग्राम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सबको लगा दो ऐप, ताकि आप उसके बाद में वो देख नहीं सकेंगे। तो ऐप टाइमर, नंबर दो। नंबर तीन, आपके जो नोटिफिकेशंस आते हैं, टक टक टिंग टोंग चालू रहता है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मैसेज आ गया आपको, टिकटॉक आते रहता है, सब बंद कर डालो, मोबाइल फोन बंद कर डालो जब आप कुछ काम कर रहे हो तो, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो नोटिफिकेशंस बंद। नंबर चार, जो भी टास्क आपको करना है और ऐसा लगता है कि वो डिफिकल्ट टास्क है, वो जाम पे आ रहा है, पोस्टपोन कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो वो आप शेड्यूल करो कि जब आप एनर्जेटिक ज़्यादा रहते हो तब। अब हर एक का एनर्जेटिक होने का टाइम अलग अलग है। कोई लोग सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं तो आप सवेरे काम करो फटाफट, कुछ लोग 11-12 बजे रहते हैं एनर्जेटिक, कुछ लोग दोपहर का खाना खाने के बाद में 1 घंटा रहते हैं, और कुछ लोग 4 से 6 ये टाइम में बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं कि भाई 4 से 6 तो कुछ काम सूझता ही नहीं है, एकदम ड्राउजीनेस आएगा, नींद आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते 4 से 6, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। और कुछ लोग 8-8:30 के बाद में बहुत रहते हैं एनर्जेटिक, 12 बजे तक सोएंगे नहीं। तो वो देखना है आपको कि कब आपका टाइम है। और ऐसा भी बोला जाता है कि ईट द अगली फ्रॉग फर्स्ट, जो गंदा काम है, मतलब गंदा काम कौन सा है कि जो आपको टाइम पे करने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत आलसपन आ रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाला, ऐसा लगता है कि नहीं करना, मुझे करना तो है, उसको जब आप एनर्जेटिक रहते हो तब करो, ज़्यादातर सवेरे करो। नेक्स्ट, पांचवा, याद मत रखो। जितना आप ज़्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारे पास में भी गैजेट्स है, कीप नोट्स है, कैलेंडर है, अलार्म क्लॉक्स है, सबका वापर करो, सब आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। टू डू लिस्ट है वो जमा लो, ताकि आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको दिमाग में रखना है कि दोपहर को 4 बजे मुझे इसको मिलना है, ये दिमाग में रखना है, तो आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 बजे मिलना है, उसका अलार्म लगा दो, कैलेंडर में लिख दो, ताकि आपको 4:45 बजे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मुझे 4 बजे आना है, तो आप तैयारी करेंगे चले जाएंगे, नहीं 4 जाना है, 4 बजे जाना है, 4 बजे मीटिंग है, दिमाग में रखेंगे तो दिमाग खाता है उतना और आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। नंबर 6, पोमोडोर टेक्निक। पोमोडोर का ऐप आता है, पोमोडोर टेक्निक क्या है? पोमोडोर टेक्निक ऐसा है कि 25 मिनट आप फोकस रहो कोई भी काम करने के लिए, वो ऐप आपको बेल बजाएगा कि 25 मिनट हो गए, 5 मिनट का गैप लो उसमें, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, और फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसा 4 बार करो, और बाद में 15 मिनट का गैप ले लो, 3 बार करो या 15 मिनट का गैप ले लो, जो भी आपको सूटेबल होता है वो करो। साइंस ये बोलता है कि 25 मिनट तक आप बहुत ही ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, अच्छा फोकस होता है, तो 25 मिनट तक ही एक काम करो, और ऐप आपको बराबर रिमाइंडर देता जाएगा कि 25 मिनट हो गए, फिर आप 25 मिनट के बाद में और फिर उसके ऊपर फोकस हो जाओ। तो ये जरूरी है, पोमोडोरो टेक्निक, उसका भी आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7 है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है कि आप जितने बार ऐप देखते हैं, वो फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा, और भी कोई रील्स होंगी, आपको लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मैं पीछे रह रहा हूँ, सब लोग तो भागे जा रहे हैं, सब लोग नया ड्रेस खरीद रहे हैं, सब लोग नए होटल में जा रहे हैं, सब लोग
नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, कुछ कुछ कर रहा है कोई कुछ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, फिर हम भी चालू कर देते करना, फिर हम भी लोगों को लाइक करेंगे और फिर अपने को लाइक कितने आगे वो देखते जाएंगे, और नहीं लाइक आई तो दुखी हो जाएंगे, अरे मुझे लाइक ही नहीं आई, मैं देखता भी नहीं कितने वीडियो हो गए और कितने लाइक आ गए, ठीक है। तो फोमो क्या है कि भाई मैं पीछे रह जाऊंगा, सब दुनिया भाग रही है। अब आप आपकी इन्फॉर्मेशन ही रेस्ट्रिक्ट कर डालो, आपको देखना ही नहीं है। आप सुबह देखो एक बार 8 बजे, 8:15 बजे आपके ऐप्स जो भी देखना है इन्फॉर्मेशन, बाद में रात को देखो, बाकी बंद। तो फिर आपको वो नहीं होगा कि बार बार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है देखना और उसके जैसा करना। जब आप उसके जैसा करना चालू कर देते हैं तो प्रॉब्लम होता है। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो लड़की का नाम नहीं याद आ रहा है, 11 साल की उम्र में उसने ये सब मोबाइल और उसके सब ऐप्स वापरना चालू किया। उसने बताया कि मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई उसमें एडिक्ट हो गई, तभी उसने निर्णय ले लिया कि अभी वो फ़ोन मैं बंद कर दूंगी, नो एंड्रॉयड, नो आईफोन, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फ़ोन लेना है जिसके ऊपर कॉल रिसीव करना है और कॉल करना है, बस वही रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, सब बंद कर दिया ताकि दिमाग को शांति रहे और जीवन अच्छा चले। फिर नेक्स्ट है 8वां, 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल क्या बोलता है? 2 मिनट रूल ये बोलता है कि आपको समझो कोई काम याद आया और वो 2 मिनट में खत्म होने वाला है तो खत्म कर डालो ना, क्यों उसको पोस्टपोन करते हैं, क्यों उसको लिख के रखते हैं, क्यों बाद में करना, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि फिर आप 2 मिनट में विचार करेंगे, 2 मिनट के बाद में करेंगे तो फिर वो दिमाग में वही चालू रहेगा और वो आपका दिमाग खाते रहता है। तो 2 मिनट रूल ऐसा बोलता है कि काम कर डालो 2 मिनट में हो रहा है तो। 9 जो है वो है सभी जितने भी काम आपके हैं, जितने ज़्यादा काम है उसकी हैबिट डाल दो। हैबिट आप डाल देंगे तो अपना काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, समय बहुत बचेगा और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, विचार करते नहीं बैठेंगे और आप फोकस रहेंगे अपने काम के ऊपर। और हैबिट मतलब कैसा है कि भाई जो भी चीज़ करना है, समझो आपको जाने का रास्ता भी ना आप फिक्स कर डालो, ऑफिस में जाने का रास्ता, आपको कौन से कपड़े, अभी मुझे एक व्यक्ति मिला था, काफ़ी बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है और बहुत ही रिच है, तो मैंने उनको पूछा भाई आपके सक्सेस का राज क्या है, क्या मतलब टाइम कैसा मैनेज करते हो आप? बोले, उन्होंने मुझे बोला है कि भाई मैं यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस जो पहना है ना, ड्रेस पहनने का है तो सुबह अपना ड्रेस कौन सा पहनना इसमें टाइम जाता है वो बचाता हूँ मैं, मतलब वो भी बचाता हूँ। बोले मैं हरदम ही सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनता हूँ और सभी मेरे सफ़ेद शर्ट और काली पैंट है, तो ये सोचना नहीं कि कल मैंने कौन सी पहनी थी, आज कौन सी पहना है, कुछ नहीं है, जो भी उठाओ सफ़ेद शर्ट काली पैंट पहन लो चालू। लोगों को मालूम है कि यही पहनता है ताकि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो भी सवाल नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि भाई ये रोज यही पैंट पहनता है तो हो सकता है कि वही पैंट पहनी होंगी या अलग कोई पैंट शर्ट पहना होगा, तो उसमें भी समय डालने का नहीं, इतना रूटीन बना लिया है भाई, स्नान करने का टाइम फिक्स है ताकि फिर वो हीटर कब लगाने का है, या कोई बाथरूम में घर का गया हुआ है क्या उसमें फिर इंतज़ार करो, चाय पीने का टाइम कब है, खाना खाने का टाइम कब है, सब फिक्स है, रूटीन है, तो क्या होता है फटाफट काम निपटते जाते हैं और आप फोकस रहते हैं कोई काम करने, आपको मालूम है कि ये काम इतने समय करना है। जो 10th है वो है मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। मल्टीटास्किंग ये बहुत खतरनाक चीज़ है, मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। देखो दो काम जो है और दोनों काम में यदि आपको अटेंशन देना है, आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए, तो आप दो काम कैसे कर सकते, हो ही सकता नहीं है दो काम करना, तो दो काम मत करो, दो काम का दिमाग में भी मत रखो। एक काम करते करते दूसरा काम याद आ गया तो उसको लिख के रखो, एक नोटबुक लो, पेन लो, लिख के रखो ये काम मेरे को करना है, ताकि वो दिमाग को ख़राब नहीं करेगा, लिखो कि ये काम मेरे को करना है मैं बाद में करूँगा। दो काम आप वही कर सकते हैं जिसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब आप वॉकिंग कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, और वो भी वॉकिंग मतलब घर के आंगन में वॉक कर रहे हैं जहाँ आपको देखना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसे नहीं रोड पर वॉक कर रहे हैं तो कोई आपको आके उड़ा देगा क्योंकि आपका ख्याल ही नहीं कि आप कहाँ चल रहे हैं, या जॉगर पे काम कर रहे हैं, जॉगर पे चल रहे हैं, आपको मालूम है जॉगर को पकड़ के चलते हैं तो वो ऑटोमेटिक है और उससे उस समय आप बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, मतलब एक काम जिसमें आपको अटेंशन देना नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना नहीं है, वो काम आप करते करते फिर दूसरा काम कर सकते हैं, अदरवाइज जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो काम करना नहीं है। 11वां पॉइंट है कि काम शुरू करने के पहले आपको कहाँ कहाँ से डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं वो एंटिसिपेट करो, वो देखो, अभी मैं काम चालू कर रहा हूँ मुझे भी अटेंशन चाहिए 1/2 घंटा 1 घंटा, अभी क्या हो सकता है, मुझे फ़ोन आ सकता है मुझे डाइवर्ट करेगा, डोरबेल बज सकती है डाइवर्ट करेगा, तो उसके लिए मैं पहले क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि फ़ोन साइलेंट करूँ, हो सकता है कि फ़ोन बंद कर डालूँ, फ्लाइट मोड पे डालूँ, मुझे अभी फोकस करना है 1 घंटा बिल्कुल एक काम के ऊपर। डोरबेल बजेंगी उसके लिए भाई आपको आदमी बिठा के रखना है या कोई बोलना है कि भाई कोई आ गया तो अभी उनको बैठो, अभी 1 घंटा बात नहीं करने वाला हूँ मैं, जो भी करना है मतलब सभी चीज़ें एंटिसिपेट करो, कोई मिलने आने वाला है या कोई घर का ही आदमी आपको आके व्यक्ति आपको आके डिस्टर्ब करेगा, आपको ये चाहिए क्या वो चाहिए क्या, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको होने वाले हैं उसको पहले सोचो और उसको पहले नील करो ताकि आप फोकस रहेंगे
पूरा आधा घंटा एक घंटा जो भी आपको काम करना है उसमें। तो ये 11 पॉइंट्स है, इसका आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, फोकस रहेंगे, रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा। 11 पॉइंट कौन से हैं? नंबर एक मोबाइल स्क्रीन, नंबर दो ऐप्स टाइमर, नंबर तीन कैंसिल नोटिफिकेशंस, नंबर चार एनर्जेटिक है तब टास्क डिफिकल्ट टास्क करो, नंबर पाँच याद मत रखो कैलेंडर का वापर करो या गैजेट्स का वापर करो, नंबर छः पोमोडोर टेक्निक का वापर करो, नंबर सात फोमो से अवॉइड हो जाओ या अवॉइड करो, नंबर आठ 2 मिनट रूल, नंबर नौ रूटीन और हैबिट जितनी बना सकते उतनी बनाओ, नंबर 10 मल्टीटास्किंग मत करो, नंबर 11 एंटिसिपेट डिस्ट्रैक्शंस। तो ये आप करते हैं तो आप फोकस रहेंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।